इकला राशनी की। टूटे हुए हर दिल को जोड़े हम, थिंक हार्ट थिंक आईबीसी। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम, थिंक हार्ट थिंक आईपीसी। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज मैं काफी दुखी हूं, सैड हूं, अपसेट हूं, मेरा मूड ऑफ है। गम के साए ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। हार्ट प्रॉब्लम होता है ना तो गम साथ में ही आता है, इमोशनल ब्रेकडाउन। यस, आज का हमारा टॉपिक यही है। इसीलिए हम लोग मिलना चाहते हैं एक ऐसे शख्सियत से जो लाएगी खुशियां और बांटती फिरती है हंसी, और जो पेशेंस को बनाती है अपना दोस्त, डॉक्टर प्रतीक्षा। जीना सिखाए जिसकी है ये ना, जिसका मैं हूँ सब, जिसकी है ये जहाँ, मंजिल को हासिल करके दिखा दे जो सूरज के किरने जैसे, सब में समाए वो नई नई आशा के दीप जलाती है, रात उतर के सुबह नई ले आती है, हर इंसान को राही नई दिखलाती है, देख उसे हर दर्द यूं ढल जाती है। तुझसे रोशन जग है सारा, दूजा नहीं है कोई तेरे जैसा, हाँ तेरे जैसा। तुझसे रोशन जग है सारा, दूजा नहीं है कोई तेरे जैसा, हाँ तेरे जैसा। हर उम्मीद तू है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा दिल में तू है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा बस मेरी तू है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा हर सुबह तू है। वेलकम डॉक्टर प्रतीक्षा, आज का हमारा टॉपिक है इमोशनल ब्रेकडाउन। तू भी इतने दुखी क्यों दिख रहे हो उसमें? क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है ना। अच्छा अच्छा, तो दुखी हो ही जाते हैं। अच्छा, वैसे हमेशा आपको पहले तो तुमको ठीक करना पड़ेगा मुझे। वैसे आपको हमेशा हंसते हुए देखा है, खुश होते हुए देखा है, लेकिन जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं वो हमेशा बहुत दुखी होते हैं। ऐसे जाने कि पूरे देश की जिम्मेदारी उन पर आ गई है, उतने दुखी। नहीं ऐसा नहीं, ऐसी फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो हुसैन, वी हैव टू बी एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक मतलब क्या कि अभी हम नॉर्मल है, हेल्दी है ना, तो हमें कुछ लगता नहीं है, लेकिन जब भी हमें एक लेवल दिया जाता है कि हम एक हार्ट पेशेंट है, तो बिकॉज हार्ट इज़ एसोसिएटेड विथ लाइफ, तो हमेशा एक डर रहता है कि मैं कितना दिन रहूँगा, कल हो ना हो। और नेचुरली एक उदासी रहना, जैसे कि जो भी टर्मिनल डिजीज़ है, जैसे कि कैंसर है, पैरालिसिस है, हार्ट डिजीज़ है, ये सभी डिजीज़ में लाइफ बिकम्स वेरी अनसर्टेन। उसके बहुत सारे हम देखते हैं कि शरीर पे इम्प्लिकेशंस होते हैं, फैमिली लाइफ पे होते हैं, फाइनेंस पे होते हैं, जो अपन ये जो श्रृंखला उसके लिए ही है, थिंक हार्ट थिंक आईपीसी। तो सबसे पहले आईपीसी में व्हाट वी हैव एन अप्रोच इज ऑफ एम्पथी, मींस इट इज़ गेटिंग इनटू द स्किन ऑफ द पेशेंट, फीलिंग द फीलिंग्स ऑफ द पेशेंट, क्योंकि उसमें पेशेंट लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर मैंने इंटरेक्शंस में, कंसल्टिंग में देखा है कि पेशेंट्स का, क्योंकि हम लोग फीडबैक लेते हैं ना, वी ऑलवेज बिलीव इन इम्प्रूविंग अवर सेल्स, तो काफ़ी पेशेंट्स का हमें ये फीडबैक मिलता है कि आप सब सुनते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इतने बिजी रहते हैं कि चलो चेक किया किया, यहाँ भर दो, ये कर दो, ये तारीख है, ये ट्रीटमेंट लेनी है, यू नो, लाइक नोबडी इज़ रेडी टू गेट इनटू द फील के व्हाट इज़ द पेशेंट फीलिंग अबाउट द होल थिंग। सो एट आईपीसी वी हैव अ कम्प्लीट टीम ऑफ डॉक्टर्स, वेयर व्हेन द पेशेंट कम्स टू अस, वी सिट एंड वी अंडरस्टैंड यू नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ व्हाट इज द सिम्टम्स, व्हाट ही फील्स, व्हाट इज ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑन हिज लाइफ, यू नो। तो हमारे यहाँ जब भी वो लोग ईसीपी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे पूरे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि डाइट का है और एक खास योगा का डिपार्टमेंट है, उसमें हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशंस, ये सब पे भी डील करते हैं, क्योंकि सी इमोशनल ब्रेकडाउन इज क्वाइट लॉजिकल वंस यू फेस अ हार्ट प्रॉब्लम, वी हैव टू अंडरस्टैंड, बट वी हैव टू एड्रेस दिस इश्यू। तो
मेरे हिसाब से एक डॉक्टर की जीत तभी होगी, तभी जब भी हम पेशेंट को एक राइट नॉलेज दे, एजुकेशन दे, एंड वी ऑल्सो गिव हिम अ पॉजिटिव डायरेक्शन टू मैनेज हिज इमोशंस सो दैट ही डज नॉट बिकम अ हार्ट पेशेंट अगेन. राइट, इट वॉज ग्रेट. इमोशनल ब्रेकडाउन तो बहुत जरूरी होता है एक हार्ट पेशेंट के लिए, लेकिन उसको कैसे ओवरकम करना है ये आईपीसी में दिखाया जाता है. दैट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू. हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. ये इनकी एंजियोग्राफी रिपोर्ट्स देखिए. ये आर्टरीज जगह जगह से ब्लॉक्ड है. ये समझ लीजिए कि 90% ब्लॉकेजेस है. इसी वजह से हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता और इसी कारण इनका हार्ट अटैक. कोई बाईपास सर्जरी नहीं करवाता. मेरे पास भैया के लिए एक इलाज है, डॉक्टर प्रतीक्षा. जीना सिखाए जिसकी है ना, जिसका मैं हूँ सब, जिसकी है ये जना. नमस्कार, एक मुलाकात में आज हम मिलवाना चाहते हैं मिसेस ज्योति मिश्रा जी से. नमस्कार ज्योति जी. ज्योति जी, जब आपको पता चला कि आपको हार्ट की बीमारी है तो आपको कैसा महसूस हुआ? मैं शॉक्ड हो गई, और जब शॉक्ड हुई तो मेरा डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ भी बहुत हाई हो गया, बीपी हाई हो गया. पर मैं आईपीसी को पहले से जानती थी क्योंकि हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे, वो हार्ट पेशेंट थे, तो उन्होंने बहुत पहले 2-3 साल पहले बताया था. उन्होंने आईपीसी में ट्रीटमेंट लिया है, विदाउट ऑपरेशन यहाँ ट्रीटमेंट होता है और एकदम ठीक हो जाते हैं. तो मेरे दिमाग में अचानक आईपीसी ही आया, तो डॉक्टर ने मुझको बताया कि आप जाओ, आपको सर्जरी जरूरी है. पर मैंने कहा कि नहीं, मैं आईपीसी जाऊंगी, और मैं गई आईपीसी में गई. और मैंने जब मुझको मालूम हुआ कि ये प्रॉब्लम है, तो शॉक्ड होने के बाद मैं फिर इनका जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ, इन लोगों ने मुझको मेडिटेशन, योगा और डाइट पे खास जोर दिया, और मुझको वो बहुत फ़ायदा हुआ. प्लस इनके हॉस्पिटल क्लिनिक में जितने भी हैं, नर्स से लेकर के डॉक्टर तक, सबका बिहेवियर बिल्कुल फैमिली जैसा है. और इन्होंने जो हमको मेडिटेशन और योगा पे जोर दिया, तो मैंने देखा वो मुझको बहुत फ़ायदा हुआ. और जो शॉक्ड थी वो मैं बिल्कुल अब रिलैक्स हो गई. और ट्रीटमेंट लेने जाती थी एवरीडे, 35 ईसीपी का ट्रीटमेंट होता है, तो मैं जाती थी ऐसे जैसे मैं अपने घर ही जा रही हूँ. और इस तरह से यानी आपका वो जो डर था वो बिल्कुल निकल गया, शॉक था वो सब गायब हो गया. मेरा सब नॉर्मल हो गया, जितने बीपी और डायबिटीज जो भी था वो सब नॉर्मल हो गया. और अभी तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं दवाई बंद कर दूँ. अच्छा, तो वैसे आपको ऐसा क्या लगता है कि ये हार्ट प्रॉब्लम जो आपको हुआ है उसकी वजह क्या हो सकती है? इन लोगों ने जिस तरह से क्वेश्चन पूछा, मुझको लगा कि इमोशनली प्रॉब्लम था मुझको पहले कभी, मतलब मेरे बच्चे थे, फैमिली लाइफ है, कुछ कुछ प्रॉब्लम होते ही है. बच्चे बहुत सीरियस बीमार होते थे, जब भी मतलब ऐसा नहीं कि किसी को बुखार आया, ऐसा वैसा नहीं, बहुत बड़े बड़े बीमारी होते थे, तो वो बहुत पहले की बात है. तो मुझको यही शौक लगा कि तब मैं कैसे नहीं बीमार पड़ी, कि अब जब सब ठीक हो गया, नॉर्मल लाइफ चल रहा है, तब बीमार पड़ी. तो इन्होंने समझाया कि वो धीरे धीरे ब्लॉकेज आते हैं बाद में, मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत होता है, उसमें टाइम लगता है. हाँ. फिर मेडिटेशन वगैरह जो कराया तो मुझको समझ में आ गया कि क्या है. यानी वो इमोशनल जो ब्रेकडाउन आपकी लाइफ में जो इनिशियली आया था, उसका जो रिजल्ट हार्ट डिजीज बन के बहुत सालों के बाद आया. आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप फिट है? बिल्कुल फिट हूँ मैं, चल सकती है आराम से. मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, हर 2-3 महीने में मैं आउट ऑफ स्टेशन जाती हूँ, कहीं ना कहीं जाना ही होता है. अच्छा, घूमने घूमना फिरना और घर में एंजॉय करते हैं आप लाइफ? बहुत एंजॉय करती हूँ, ज़्यादा अच्छा लगता है लाइफ, और ज़्यादा पहले से बेहतर लगता है. ओके, और कोई वजह हो सकती है आपकी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से? हाँ, मुझको लगता है मेरा खाना भी ठीक नहीं था. मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ,
रिच खाना बहुत खाती थी, चीज़ वगैरह, ब्रेड, सैंडविचेस, मतलब फास्ट फूड वगैरह बहुत खाती थी। तो समझ में आया कि वो सब हार्म करता है, इन लोगों ने समझाया मुझको। अब क्या खाती है, अब प्रॉपर डाइट? अभी भी कभी कभी खाती हूँ, बाकी नॉर्मल जो कम ऑयल का खाना है, ज़्यादातर बॉयल्ड खाना होता है, वही सब खाती हूँ। लेकिन टेस्टी होता है? हाँ टेस्टी होता है। थैंक यू वेरी मच ज्योति जी, आपसे मिलकर बहुत और मैं ये भी कहूँगी कि आईपीसी में वर्ल्ड में जितने बीमार हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उनको आईपीसी ही आना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। थैंक यू, सही जगह है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, थिंक हार्ट थिंक आईपीसी। डॉक्टर प्रतीक्षा, आपका फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे इमोशनल ब्रेकडाउन के बारे में। तो वैसे आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते होंगे जो बहुत ही लाइक यू नो छोटी छोटी बात में शायद रो देते होंगे, और ऐसी आपके लिए बहुत छोटी बात लगती होगी लेकिन उनके लिए काफ़ी बड़ी होगी। ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगी? नहीं, बहुत सारे इंसिडेंट्स है, और क्या है कि जैसे कि हमारे पास काफ़ी बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जो लोग, जैसे आपने बताया कि रोते हैं, लेकिन वो जो गाना है ना, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ वो जाएगा, वैसे तो हमारे यहाँ भी सभी पेशेंट्स रोते रोते आते हैं लेकिन सब हंसते हंसते जाते हैं। जैसे आप हर एक सेगमेंट में पेशेंट्स को भी इसके लिए हम दर्शकों से मिलवा रहे हैं कि जो भी हम बोलते हैं वो उनके ज़ुबानी वो लोग सुने। तो ये कन्वर्जन, ये जो पूरा ट्रांजिशन एक पेशेंट का होता है वो आईपीसी की ट्रीटमेंट के साथ साथ होता है, क्योंकि और हमने ये माहौल क्रिएट किया है, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सरों में मैंने जैसे बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में काम किया है तो आखिर पेशेंट्स बहुत सीरियस होते हैं, सब माहौल बहुत ही सीरियस होता है। हमारे यहाँ पेशेंट्स कुछ इसके लिए क्योंकि उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, तो सुबह आते हैं, यू नो इट इज़ लाइक अ डे केयर सेंटर, और पूरा परिवार जैसा लगता है क्योंकि एक डायटिशियन होती है, योगा टीचर होती है, सबसे मिलना जुलना, तो इतना हम लोग एक स्माइलिंग, क्योंकि यू नो स्माइलिंग इज़ वेरी इन्फेक्शियस। और इसके बाद भी अगर कोई ज़्यादा रोते हैं तो हम लोग एलोपैथी के साथ साथ हम लोग, अरे हमारे पास हमने देखी है कि होम्योपैथी भी बहुत ऐसी मेडिसिन है जो माइंड को चेंज कर देती है। सो वी हैव सीन अमेजिंग रिजल्ट्स। और इसके साथ साथ मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी कि बहुत छू लेने वाली भी, जैसे हम लोग भी इमोशनल बीइंग्स हैं तो हमें भी छू लेने वाले घटनाएं होती है। एक किस्सा मुझे सुनाना है, 8 साल पहले एक पेशेंट का, मिस्टर कमलेश ठक्कर करके, तो ही वॉज दैट टाइम 42 ईयर्स, और उनको 42 ईयर्स की उम्र में बाईपास सर्जरी बताई गई थी, और उनकी जो मेन नस में ब्लॉकेज था। यहाँ मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि मैं आई एम नॉट अगेंस्ट एनी सर्जरी, जब भी सर्जरी रिक्वायर्ड है वी गिव अ ऑनेस्ट मेडिकल ओपिनियन। तो क्योंकि उनकी एज 42 ईयर्स थी, डायबिटीज़ था, और वो बैडमिंटन पहले खेलते थे और दोबारा बैडमिंटन खेलना चाहते थे, उनकी एक्टिविटी काफ़ी थी, ही हैड कम फ्रॉम गांधीधाम। सो आई एडवाइज हिम दैट यू नो बीइंग अ यंग एज वाई टू टेक अ चांस, और मेन नस में तो आप बाईपास सर्जरी कर दीजिए, और मैंने पेपर पर लिख के दे दिया बाईपास सर्जरी फर्स्ट चॉइस। तो उन्होंने वो पेपर लिया और मेरे तरफ ऐसा देख के बोला, फाड़ डाला, बोला मैं सर्जरी नहीं करवाने वाला हूँ। तो मैंने बोला आई कांट ट्रीट यू बिकॉज यू नो यू फॉल अंडर हाई रिस्क कैटेगरी। बोला आपको क्या किधर सिग्नेचर करके चाहिए, मैं आपको करके देता हूँ, मेरी जान आपके हाथों में है। एंड दैट वॉज सो टचिंग फॉर मी बिकॉज यू नो आई वॉज एक्चुअली इन टीयर्स बिकॉज समबडी एट हिज एज सो यंग कुड ट्रस्ट मी सो मच। And you know, it's almost 8 years down the line. He is still living and very very happy. And you know, in fact, we gave him treatment. In 1 month, he started playing badminton again, which was quite amazing. And I went back to Gandhidham and we did a youth seminar and all. तो मुझे दर्शकों से ये कहना है कि एक्चुअली हम केस सिलेक्शन करते हैं, जो लोग बहुत सीरियस होते हैं उन्हें हम सर्जरी एडवाइस कर देते हैं, लेकिन वो सिर्फ 10% ही होते हैं, 90% को तो हम विदाउट सर्जरी ट्रीट करते हैं।
लेकिन ऐसे भी लोग जिसको मैंने सर्जरी एडवाइस की है और लेकिन उनमें विल पावर स्ट्रांग होता है, तो आई थिंक रिजल्ट्स आर अमेजिंग. मतलब इट वॉज इमोशनली टचिंग मोमेंट फॉर मी ऑल्सो बिकॉज he was strong enough. Yeah, that's great. And I think Sir Kamlesh ji ne 50 साल पूरे कर लिए. Yeah. So हम लोग एक emotional breakdown से एक खुशी का माहौल में wind up करते हुए आपसे कुछ message सुनना चाहेंगे. मुझे message यही देना है कि जब तक हमारे पास घर है, खाने के लिए है, you know, और कपड़े हैं, और we are able to live comfortably, तो ज़्यादातर हम जो इमोशंस जो है, मतलब कि किसी ने मेरी बातें नहीं सुनी, गुस्सा आता है, यू नो, नेगेटिविटी में चले जाते हैं, तो ये सबको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. तो मैंने इस पर कुछ लिखा है क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों के जो फीलिंग्स को स्टडी करके कि क्या तलाश है जब सब कुछ पास है, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज आर देयर अकॉर्डिंग टू मी, देन वी हैव गॉट एवरीथिंग. सो क्या तलाश है जब सब कुछ पास है, दिन की रोशनी में चांदनी की तलाश है. क्या बात है. कैसे नाराज है जब सब कुछ खास है, अहंकार की चद्दर में हर दिल नाराज है. क्योंकि योगा में जो भी है हम लोग सिखाते हैं कि ईगो जो है, आई मी माई सेल्फ, मेरी बातें नहीं सुनी, मेरी बातें नहीं कही, वो आई के वजह से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं. और ये फैक्टर जिनको भी हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें हमने ज़्यादा देखा है. छोटे छोटे गम मुंदे बने सागर की. एवरी डे यू नो हम लोग छोटे छोटे गम कलेक्ट करते रहते हैं, वो हम लोग ने आदत बना दी है. और छोटी छोटी खुशियाँ खो गई सागर में, जो हम लोग ने सागर बना दी उस पर. तो हम क्या है कि सनराइज है, सनसेट है, ब्यूटी ऑफ नेचर है, और बर्ड चर्पिंग, यू नो, ये जो छोटी छोटी कितनी खुशियाँ होती है, यू नो, तो उसके हम सब भूल गए. क्या पाना है जब सब कुछ पा लिया, क्या खोना है जब सब कुछ खो दिया. क्योंकि जब भी मैंने देखा है लोग सक्सेस पाने के लिए, वो लोग तभी हार्ट पेशेंट बन जाते हैं, लेकिन जब भी उन्होंने सब पा लिया है, सब जो उनको पाना था, लेकिन बाद में क्या खो दिया, पूरा हेल्थ खो दिया. तो लास्ट मैसेज मेरा जो आप मुझे बोलना चाहते थे दर्शकों के लिए कि तलाश, नाराज, सुख दुख, पाना खोना, यही जिंदगानी है. दिस इज व्हाट इज लाइफ. इस पर विजय पा लिया तो जिंदगी सुहानी है, और इसमें उलझ गए तो जिंदगी तूफानी है. और वो बनता है हार्ट प्रॉब्लम. या एनीवेज, इट वाज ग्रेट 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 टॉकिंग टू यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू. थिंक हार्ट, थिंक आईपीसी. युक्त हर विहारस्य युक्त चेष्टास्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगी भवति दु. रोशनी की टूटी